गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप लोग कैसे हो? अभी तक हमने हमारी पुस्तक अमृता स्वर ज्ञान से पेज नंबर 25 से तीन वर्ण वाले हमने एक ही मात्रा के नए शब्द सीखे। अब हम तीन वर्ण और चार वर्ण में कैसे हम एक ही मात्रा से नए शब्द बनाएंगे, उन्हें पढ़ेंगे और उन्हें लिखेंगे, ये सीखेंगे हम। तो आप लोग अपनी अपनी बुक लेके बैठेंगे और पेंसिल लेकर बैठेंगे, अपनी कॉपी लेके बैठेंगे और हमारे साथ लिखेंगे और पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम एक ही मात्रा से तीन वर्ण वाले शब्द और एक ही मात्रा से चार वर्ण वाले शब्द बनाते हैं, उन्हें कैसे लिखते हैं और उन्हें कैसे पढ़ते हैं। आप लोग तैयार हैं हमारे साथ पढ़ने के लिए और लिखने के लिए? चलिए, पहला शब्द हम बनाएंगे लंबी ए की मात्रा ले ख क। क्या पढ़ेंगे इसे? ले खक। लंबी ए की मात्रा ले, ख में कोई मात्रा है नहीं है इसलिए ख क ले खक। क्या पढ़ेंगे हम? ले खक। दूसरा शब्द हम पढ़ेंगे क, तम ए की मात्रा के, त तमें कोई मात्रा नहीं है, ल लमें बड़ी ई की मात्रा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो लमें बड़ी ई की मात्रा क्या हो जाएगा? ली। तो हमें पूरा शब्द क्या मिलेगा? केतली। हमें नया शब्द क्या मिलेगा? केतली। पहला शब्द हमें मिला था लेखक, दूसरा शब्द हमें मिला केतली। अगला शब्द देखेंगे हम ज, जब ए की मात्रा जे व र, जेवर। किस प्रकार से पढ़ेंगे इसे? जेवर। अगला शब्द है म, म में ए की मात्रा में ह त र, क्योंकि सिर्फ म में मात्रा है, ह में त में और र में कोई मात्रा नहीं है, तो हम जब इसे एक साथ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? महतर। कैसे पढ़ेंगे? महतर, महतर। अगला शब्द है हमारा म, म में ए की मात्रा में ह, ह में कोई मात्रा है नहीं है, फिर क्या है? म, म में आ की मात्रा क्या पढ़ेंगे? मा। न, न में कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे? मेहमान, मेहमान। हम इसे जल्दी से मिला के पढ़ेंगे। हम इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे, हमारे साथ साथ आप दोहराएंगे। लेखक, लेखक। केतली, केतली। जेवर, जेवर। मेहतर, मेहतर। मेहमान, मेहमान। अब हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे ये सीखेंगे। यहां से हम लेंगे ल, इस प्रकार से ल, ल में मात्रा लगाएंगे ले, ऊपर से लेंगे हम ख और यहां लिखेंगे हम क, तो हमें एक नया शब्द मिल गया लेखक। ऊपर से देख के हम लिखेंगे लेखक, ल में ए की मात्रा ले ख क, लेखक। अगला शब्द हम लिखेंगे क, क में ए की मात्रा के, त ल, ल में बड़ी ई की मात्रा ली, तो हमें क्या नया शब्द मिल गया? केतली, के त ली, केतली। अगला शब्द है हमारा ज, ऊपर से देख के लिखेंगे हम जे व र, जेवर। जब एक मात्रा जे व खाली र खाली, क्या बनेगा? जेवर, जेवर। अगला शब्द है हमारा म, म में एक ही मात्रा में ह त र, पूरा शब्द बनेगा महतर। म में एक ही मात्रा में ह
मेहतर, मेहतर। आप लोग को भी लिख लिख के अभ्यास करना है, ठीक है। चलिए मौन ए की मात्रा में ह मा न शब्द क्या बन गया, मेहमान। शब्द क्या बन गया, मेहमान। एक बार पुनः पढ़े इसे। लेखक केतली जेवर मेहतर और मेहमान, ठीक है। आप लोग को आया लिखना पढ़ना। अब हम अगली लाइन में चले। ये देखिए शे, क्यों, क्योंकि शे में एक ही मात्रा है। शे र व में आ की मात्रा पा, न में बड़ी ई की मात्रा नी। कल हमने आपको बताया था कि एक ही शब्द में कई प्रकार की मात्रा का उपयोग होता है। सिर्फ एक ही मात्रा नहीं पढ़ रहे हम, एक ही मात्रा के साथ जब हम शब्द बनाएंगे तो दूसरी मात्राओं का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, आधी मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों है। तो शम ए की मात्रा शे, र व में आ की मात्रा वा, न में बड़ी की मात्रा नी। क्या शब्द बन गया, शेरवानी। शेरवानी पढ़ेंगे हमारे साथ, शेरवानी। अगला शब्द है आ, लव ए की मात्रा ले, ख न, ख और न के का कोई मात्रा नहीं, आलेखन। क्या बन जाएगा ये शब्द, आलेखन। हम इसे जल्दी से जोड़कर पढ़ेंगे, तो किस प्रकार से पढ़ेंगे, आलेखन, ठीक है बच्चों, आलेखन। पहला शब्द था हमारा शेरवानी, आलेखन, शेरवानी, आलेखन। जितनी बार हम इसे पढ़ेंगे, जितना हम इसके साथ अभ्यास करेंगे, उतना ही हमें अच्छे से पढ़ना और लिखना आएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे शब्द म, ल में ए की मात्रा ले, र में छोटी की मात्रा ली, य में आ की मात्रा या। तो क्या बन गया जब ये शब्द जोड़ा हमने, तो मलेरिया। क्या बन गया, मलेरिया। म, ल में ए की मात्रा ले, र में छोटी की मात्रा ली, य में आ की मात्रा या। शब्द बना मलेरिया। शब्द क्या बना, मलेरिया। अगला शब्द है हमारा द, द में ए की मात्रा दे, व में आ की मात्रा वा, ल या, देवालय। नया शब्द मिला देवालय, जोड़ के पढ़ेंगे तो किस प्रकार से पढ़ेंगे, देवालय, ठीक है बच्चों। अगला शब्द है हमारा ज में ए की मात्रा जे, व र में आ की मात्रा रा, त जेवरात। नया शब्द है हमारा जेवरात। अगला शब्द है जेवरात। हमारे साथ आप लोग फिर से पढ़ेंगे, शेरवानी, बोलिए शेरवानी, आलेखन, आलेखन, मलेरिया, मलेरिया, देवालय, देवालय, जेवरात, जेवरात। अब इसे लिखेंगे किस प्रकार से, हम ये सीखेंगे। ऊपर से देखेंगे हम श में ए की मात्रा इस प्रकार से लिखेंगे, शे, र, व में आ की मात्रा वा, न में बड़ी ई की मात्रा नी। शब्द बन गया हमारा ये शेरवानी। ऊपर से देख के लिखा हमने शेरवानी, श, श में ए की मात्रा शे, र, व में आ की मात्रा वा, न में बड़ी की मात्रा नी, शेरवानी। आगे हम पढ़ेंगे आ, ले, ख, न, आलेखन। नया शब्द मिला हमें आलेखन, नया शब्द मिला हमें आलेखन। क्या शब्द मिला, आलेखन। आगे शब्द लिखेंगे हम म, ले, ल में ए की मात्रा तो ले, र में ए की मात्रा दी,
यम आ की मात्रा या, मलेरिया। नया शब्द हमें क्या मिल गया, मलेरिया। किस प्रकार से लिखा हमने, आप लोगों ने देखा मलेरिया। इसके बाद शब्द है हमारा दे, में ए की मात्रा द, में ए की मात्रा दे, वा, ल और य। इस प्रकार से आपको हमारे साथ साथ लिखना है देवालय, देवालय। क्या लिखना है, देवालय। ज, ज में ए की मात्रा जे, व, र में आ की मात्रा रा, त, जेवरात। इस प्रकार से लिखना है जेवरात। ठीक है, अब हमने पढ़ना और लिखना दोनों सीख लिया। ए की मात्रा के शब्द दो वर्ण वाले, तीन वर्ण वाले और चार वर्ण वाले। वर्णों को मिलाकर शब्द बना और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनेंगे। अब हम अगले पेज पे, पेज नंबर 26 पर हम इन्हीं मात्राओं के प्रयोग से, इन्हीं मात्राओं की सहायता से हम वाक्य बनाकर पढ़ेंगे। क्या बनाकर पढ़ेंगे, वाक्य। कौन से पेज से, पेज नंबर 26 से। पेज नंबर कौन से, 26 से। आप लोग अपनी पुस्तक अमृता स्वर ज्ञान लेकर बैठे और हमारे साथ साथ पेज नंबर 26 से नए वाक्य बनाना सीखे, उसे किस प्रकार से पढ़ते हैं वाक्य। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 26 से। पेज नंबर 26 से वाक्य बनाना, ठीक है। किस प्रकार से वाक्य बनाएंगे हम, इसे हम पढ़ेंगे, आप हमारे साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए। रमेश, 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 ये क्या है, कॉमा। कॉमा का मतलब है दो शब्दों के बीच में कॉमा। दिनेश, दमी छोटी की मात्रा हम पहले पढ़ चुके हैं। दिनेश, रमेश, दिनेश, यहाँ कॉमा है, अल्पविराम है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है। रमेश, दिनेश। व, महेश। रमेश, दिनेश व महेश, हमारे साथ साथ पढ़ेंगे। रमेश, दिनेश व महेश। न में एक की मात्रा ने, ख में एक की मात्रा खेल, खेला, और यहाँ पर पूर्ण विराम। ये अल्प विराम है, यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं। ये पूर्ण विराम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा रुकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वाक्य बन गया। ठीक है, रमेश, दिनेश व महेश ने खेल खेला। रमेश, दिनेश और महेश तीनों ने मिलकर एक खेल खेला, और वो क्या खेल खेला वो हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे। रमेश लेखक, लेखक जो लिखते हैं। महेश समाज सेवक, समाज सेवक जो समाज की सेवा करते हैं। वर, दिनेश उनका चेला बना। दिनेश उनका क्या बना, चेला बना। तीनों ने अलग अलग पार्ट निभाया खेल में। क्या क्या पार्ट निभाया, रमेश ने लेखक का, महेश ने समाज सेवक का और दिनेश ने उनके चेले का। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे की कहानी, इसके आगे की हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 26 से अभी हमने इतना पढ़ा, आप इतने का अभ्यास करेंगे और इसके आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार और पढ़ें। रमेश, दिनेश व महेश ने खेल खेला। रमेश लेखक, महेश समाज सेवक व दिनेश उनका चेला बना। अब इसके आगे से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।